दोस्तों आप भी इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट आप डिलीट करना चाहते हैं, हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं, इस कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। पूरा इंस्टाग्राम को नए अपडेट को काफी कंफ्यूज कर दिया दोस्तों, और आपको इंस्टाग्राम को आप डिलीट करना चाहते हैं पूरा ऑप्शन ही नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को एक भी पार्ट आप मिस मत करिएगा, बिल्कुल पूरा पार्ट देखना। और साथ में आपको ये भी कहूंगा कि दो मोबाइल है तो दूसरे वाले मोबाइल फोन से इंस्टाग्राम ओपन कर लीजिएगा। जो भी इस वीडियो बताने वाला हूँ आप देखते रहिए और साथ आप अप्लाई करते रहिए दोस्तों। तो इंस्टाग्राम के लिए मैं बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया दोस्तों, बिल्कुल आपको ट्राई करूंगा, सिंपल तरीके में आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट हमेशा के लिए कैसे आप लोग बंद कर सकते हैं। यार आप वीडियो पसंद आए जरूर आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मोबाइल पर आप इंस्टाग्राम आप ओपन कर लीजिएगा, जिसी भी अकाउंट इंस्टाग्राम को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे ये मेरा अकाउंट है ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे एक लोगो एक दिखा होगा नीचे में ठीक है, लोगो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इंटरफेस आपके साथ पेज खुल जाएगा। तो अब इस आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन एक थ्री लाइन्स एक बने होंगे ठीक है, थ्री लाइन्स पे आप क्लिक करना है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, जरा से भी कंफ्यूजिंग मत करिएगा ठीक है। और उसके बाद फिर आपको करना है एक सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा ठीक है, सेटिंग पे आप लोग क्लिक कर सिंपली आपको क्लिक कर लेना दोस्तों। जब आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आपके सामने खुलेगा ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कहीं कुछ नहीं आना, सिंपल से एक हेल्प लिखा होगा, हेल्प वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है दोस्तों ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आप देखो और सीखते रहो, अब बिल्कुल आप हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो ठीक है। अब हेल्प पे आप क्लिक किए तो हेल्प पर एक देखिए हेल्प सेंटर ठीक है, हेल्प सेंटर लिखा होगा तो हेल्प सेंटर पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप हेल्प सेंटर क्लिक, इस टाइप का आपको इंटरफेस आपके सामने खुलेगा दोस्तों ठीक है। तो थ्री लाइन एक डॉट एक लिखेंगे आप यहाँ सामने को दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप मैनेज योर अकाउंट आपको शो करेगा ठीक है, मैनेज योर अकाउंट ठीक है। तभी आप याद भी करो, देखने के बाद भी आप जाके आपके अकाउंट पे आप डिलीट कर सको। मैनेज अकाउंट पे क्लिक कर देना है और जहां आप क्लिक करने के बाद फिर एक और एक आएगा डिलीट योर अकाउंट ठीक है। तो डिलीट योर अकाउंट यहां पे यही आना है, जैसे ही आप क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक किया ये आपके सामने ऑप्शन कुछ आ गया ठीक है। तो यही स्क्रॉल करने पे कुछ नहीं आ रहा है ठीक है, तो यहीं से ये डिलीट है। बट कैसे डिलीट होगा ध्यान से देखना, एक सेकंड ऑप्शन है डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट लिखा हुआ, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे टेम्पोरली डीएक्टिवेट योर अकाउंट लिखा हुआ है। टेम्प्रोली मतलब परमानेंट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा दोस्तों ठीक है। तो और जैसे आप थोड़ा सा डाउन करेंगे डाउनलोड या कॉपी लिखा हुआ है, आप डाउनलोड करना चाहते हैं जितना भी इंस्टाग्राम वीडियो फोटोज जो भी अपलोड कर रखा है उसको आप लोग डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं, सारे चीज को आप अपलोड कर सकते हैं ठीक है। फिर आप अकाउंट को टेम्प्रोली आपको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, बट हमने टेम्प्रोली डीएक्टिवेट परमानेंटली आपको बंद करना है। काफी बहुत सारे अकाउंट बना, जो भी रीजन हो जो भी आप बंद करना चाहते हो तो कैसे बंद करना है देखो, यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा, ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन नहीं मिला, आप देख लिया, स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखिए बिल्कुल पहले यहीं पे ऑप्शन एक आता था, बट ये ऑप्शन आप इंस्टाग्राम काफी कंफ्यूज कर दिया दोस्तों। तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिला जिसमें आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम डिलीट करेंगे, परमानेंट डिलीट करेंगे, देखिए कैसे होगा। बस यहां से मैं आपको ये बता, परमानेंट डिलीट करना चाहते आपको ये ऑप्शन ना मिला और ना ही इसके अंदर और मिला, ये दोनों कन्फर्म है, ये दोनों का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, परमानेंट आप डिलीट नहीं कर सकते हैं ठीक है। तो सबसे दोनों ही आपको खत्म हो चुका है, बचा सिर्फ ये ऊपर वाला टेम्पोररी डीएक्टिवेट इंस्टाग्राम अकाउंट, बिल्कुल इसी में ऑप्शन आपको मिलेगा, वे आसानी से मिलेगा, काफी कंफ्यूज कर दिया इंस्टाग्राम। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, तो ये जो ऑप्शन एरो बना हुआ है ना यहाँ पे टेम्पोररी जो लिखा हुआ है डीएक्टिवेट इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है, जिसे डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, देखिए एरो को नीचे डाउन करा है डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप क्लिक करोगे ये एक एंड्रॉयड आएगा, एप्स हेल्प आएगा ठीक है। तो नीचे कुछ स्लो डाउन करेगा आप, जैसे कोई भी ऑप्शन आप डिलीट कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन नहीं दोस्तों ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों बताता हूँ, एंड्रॉयड एप्स हेल्प लिखा हुआ, जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर एक और ऑप्शन मिल जाएगा आपको, देखिए मोबाइल ब्राउजर हेल्प, मोबाइल ब्राउजर हेल्प पे यहाँ ध्यान से देखिएगा, मोबाइल ब्राउजर हेल्प पे क्लिक करेंगे, ब्राउजर हेल्प जैसे क्लिक करोगे मोबाइल ब्राउजर स्लो डाउन करें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, पहला ही ऑप्शन मिलेगा आपको, दूसरा एक ये ऑप्शन मिलेगा आपको ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जाकर नीचे जाकर थोड़ा नीचे जाकर स्क्रॉल डाउन करके आप ढूंढ रहे हो ऑप्शन का मिला, आपको कहीं ऑप्शन नहीं मिला। आपको क्या करना है, जो एरो पे यहाँ पे क्लिक करना है, इंस्टाग्राम लिखा है ना, फ्रॉम मोबाइल ब्राउजर लिखा हुआ है, डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन, अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका फिर इंपॉर्टेंट मेन इंपॉर्टेंट डिलीट योर अकाउंट लिखिए, व्हाई डू यू वांट टू बैक योर इंस्टाग्राम, व्हाई डू यू वांट टू डिलीट योर, आपका लिखा रहेगा यूजर नेम ठीक है। जैसे आप कुछ रीजन आपको मांगा सिलेक्ट ऑप्शन, जैसे ये देखिए बहुत सारे रीजन है, कैन नॉट फाइंड योर पीपल टू बिजी टू डिस्टर्बिंग प्रीव्यूज कंसर्न टू मेनी एड्स ठीक है, आई वांट टू क्रिएट योर सेकंड अकाउंट हो गया, आई वांट टू रिमूव योर समथिंग ठीक है। तो क्रेडिट अकाउंट ले सकते हैं कोई भी, आपको पासवर्ड याद नहीं है जस्ट फॉरगेट पासवर्ड आप क्लिक करेंगे, जो भी पासवर्ड आप रिसेट आप कर सकते हो ठीक है, पासवर्ड आपको मिल जाएगा। बट आपको पासवर्ड याद है
तो एंटर करना होगा यहाँ पे, ठीक है, री एंटर योर पासवर्ड फिल कर लेना और डिलीट पे आप क्लिक करोगे आप अकाउंट डिलीट होगा। बस याद रखिए एक बात, आपका इंस्टाग्राम तुरंत नहीं डिलीट होता दोस्तों, आज डिलीट 18 तारीख, जिससे कि आपको जो भी आपका 22 मई लिखा हुआ है, तो 22 मई का आपको शूट वीडियो जो शूट कर रहा हूँ, जो भी रिकॉर्डिंग जो बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम डिलीट कब होगा, 1 महीने बाद, मात्र 30 डेज, 30 डेज बाद आपको डिलीट होगा, ठीक है। आज मैं डिलीट करूंगा तो आज से 30 डेज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मतलब आपको लिखा हुआ है, आज यहाँ 22 मई को है, तो 22 मई 2023 है, तो मैक्सिमम ये 1 मंथ बाद आपका ये परमानेंट आपका डिलीट होगा। तो पासवर्ड आप डाल लेते हैं यहाँ पे, डिलीट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, पूरा प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया, पासवर्ड करने का, पूरा इंस्टाग्राम आपने डिलीट कर दिया, आज ये इंस्टाग्राम आपने डिलीट कर दिया, आज से लेकर 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आप इंस्टाग्राम अकाउंट आप दोबारा से साइन इन कर लेते हैं, तो दोस्तों इंस्टाग्राम अकाउंट आपका डिलीट नहीं होगा, क्योंकि उसने दोबारा साइन इन कर लिया 30 दिन के अंदर। एक बार भी साइन इन नहीं करते आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हमेशा के लिए आपका डिलीट हो जाएगा, जो मैंने सारा प्रोसेस जो किया हुआ है दोस्तों। तो याद रखो, जिस दिन आप डिलीट करोगे, प्रोसेस कंप्लीट किया, उसी से दिन से लेकर 1 महीने मतलब 30 डेज इंस्टाग्राम अकाउंट लॉग इन नहीं करना है, साइन इन नहीं करना है, पासवर्ड यहाँ फिल कर लिया मैंने यहाँ पे देख लिए, अब डिलीट वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे, कुछ ही देर में आपका प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इंस्टाग्राम जो है ये डिलीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत सिंपल तरह से समझ सके हैं, और किस तरह से इंस्टाग्राम को आपको कैसे आप बंद कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।